एजुकेशन वीक में आशीष सर, हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड चैप्टर के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो हमारे पास जो सीबीएसई 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड के एग्जाम के लिए, जो ये आईएमपी क्वेश्चन है और इसी तरह के कई सारे क्वेश्चन है, फ्रेम करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे तो हमें सिर्फ मैथ सीखने का पर्पज है, हमें हिंट कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं वही हमें यहाँ पे सीखना है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अ विंडो इन अ बिल्डिंग इज एट द हाइट ऑफ द 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, एक बिल्डिंग है ए बी और उसमें जो सी पॉइंट है जहाँ पर विंडो है, ओके, हाइट ऑफ बिल्डिंग, लेट अ बिल्डिंग ए बी एंड एट सी एंड विंडो एट पॉइंट सी के पॉइंट सी पर विंडो है और जिसका फ्रॉम द ग्राउंड से उसका डिस्टेंस कितना है, यानी कि जो बीसी इज इक्वल टू कितना है 10 मीटर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम अ पॉइंट पी, यहाँ पे सॉरी ये जो विंडो वाला पॉइंट ऑफ अ पॉइंट पी के ए बी सी और यहाँ पे एक पी पॉइंट है, तो ये सी पॉइंट से विंडो से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है 30 डिग्री है। तो डिप्रेशन यानी कि हम ऐसा एंगल बनाएंगे और इसका नाम दे देते हैं डी और ये पॉइंट पी, यानी कि जो ये एंगल पी सी डी इज इक्वल टू कितना है, पी सी डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी, और पॉइंट पी से जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग ए एंगल कितना है 60 डिग्री और बिल्डिंग और जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसके बीच में डिस्टेंस क्या है बी पी इज लेट डिस्टेंस बिटवीन बेस ऑफ बिल्डिंग एंड ऑब्जर्वेशन पीबी, ओके, वो जो डिस्टेंस है उसको पीबी लेते हैं वो हमें पता नहीं, बट वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि हमें जो ए बी है वो फाइंड आउट करना है। तो हमें ए वाला साइड गिवन है, सॉरी 10 मीटर गिवन है, बी सी की वैल्यू 10 है, पी बी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे 30 डिग्री है तो ए वाला जो एंगल है वो कितना होगा 30 डिग्री होगा। यहाँ पे लिख देते हैं एंगल बी पी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी पी या तो PCD इक्वल टू 30 डिग्री, रीजन लिख देना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाउ तो यहाँ पे 10 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 10 थीटा यानी कि बी अपॉन सी, तो यहाँ पे सपोज थीटा इज इक्वल टू 4, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के लिए क्या होगा 10 30 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड क्या है बी सी अपॉन बी बी। तो यहाँ पे 10 30 की वैल्यू 1/√3 के बी सी की वैल्यू कितने है 10 है और पी बी की वैल्यू क्या है हमें फाइंड आउट करना है, पी बी उस साइड जाएगा तो पी बी इज इक्वल टू क्या होगा 3 साइड आ जाएगा तो 10√3। ये तो हमें अभी बिल्डिंग और ऑब्जर्वेशन के बीच में यानी कि ये डिस्टेंस मिला है 10√3, बट वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ ए बी, हमें क्या फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ ए बी फाइंड आउट करना है। तो 4 AB के लिए जो यहाँ पे A पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, AB थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। ओके, तो हाइट क्या होगा 10 थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। नाउ परपेंडिकुलर यानी कि जो ऑपोजिट साइड है वो क्या है AB है, बेस क्या है पी बी है,
और यहाँ पे टेन थीटा के लिए और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे टेन 60 डिग्री। नाउ यहाँ पे ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है रूट थ्री, ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और बी बी की वैल्यू है टेन रूट थ्री। टेन रूट थ्री यहाँ पे थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगा तो टेन रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज इक्वल टू ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू होगा टेन इंटू थ्री यानी कि 30 मीटर। सो वी नीड टू फाइंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग और हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमें क्या मिला है 30 मीटर मिला है। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियोज। यदि आप लोगों को हमारा ये सोल्यूशन मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आया हो तो स्टूडेंट को शेयर करना भूलना नहीं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट।